यू, हाउ आर यू, कैसे हो, सब बढ़िया हो? ओके, तो आप लोगों का पार्ट एक अब सबका पूरा हो चुका है। पार्ट की कविता सबने याद कर ली है, सभी ने लिख ली है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोटो आ रहे हैं, है ना, जो बहुत अच्छा लिख रहे हो आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही लिख रहे हो। पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मदद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चों को हम लोग सेंड तो कर रहे हैं लेकिन लिखवाने का काम मुझे पता है पेरेंट्स ही कर रहे हैं, तो सभी के पेरेंट्स को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। सभी जो बच्चों ने नहीं दिया है मुझे पता है वो भी लिख चुके हैं, आप चाहे तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। कुछ बच्चों की सीली सीली सी मिस्टेक्स हो रही है, जैसे कोई बिंदी न लगाना, है ना, कुछ मात्रा की एक या दो गलती, तो कोई बात नहीं, आप अपनी गलती सुधार सकते हो क्योंकि आपके पास पेंसिल से लिखा है। आपको पेंसिल से इसलिए 3 तक लिखने के लिए दिया जाता है कि आपको मौका मिल जाता है कि आप अपनी गलती सुधार सकें, है ना, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि गलती करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि 4th में जब जाएंगे पेन से लिखेंगे और आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, गलती इरेज करने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए गलतियाँ अभी से करना छोड़ दें। अब पार्ट एक पूरा होने के बाद हम लोग आएंगे पार्ट 2 पे। पार्ट 2 है बिरबल बन गए बच्चा, बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने पे, है ना? आप लोग देखेंगे कि बिरबल कैसे बच्चा बन गए। आप लोगों ने अकबर बिरबल की बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, आपको मैंने पहले भी सुनाई है कुछ अलग कहानियाँ, है ना। बिरबल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है, और राजा जो अकबर है महाराजा, तो हमेशा उनकी क्या करते हैं, चतुराई की परीक्षा लेते रहते हैं। उनके सबसे प्रिय होने के कारण राजा के जो दरबारी हैं वो हमेशा उनसे जलन करते हैं, है ना, जो अच्छा होता है उससे हमेशा क्या होती है, लोगों को जलन होती है, लेकिन इससे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो हम पाठ का पढ़ना, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पुस्तक चाहिए, अपनी पुस्तक निकालेंगे, है ना, और पुस्तक में निकालेंगे आप लोग पेज नंबर 30। कुछ बच्चों ने तो कवर बहुत अच्छे से कर लिया है, कुछ का कवर अभी भी नहीं हुआ है, तो अपनी बुक को अच्छे से कवर कर ले। अब है पेज नंबर 13, 13 पे हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसमें एक प्रश्न पूछा है कि अगर आपकी भी मुलाकात किसी बिरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, है ना, तो आप उसका उत्तर सोच के रखना, फिर अंत में इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम लोग पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ेगी आपको अपनी उंगली पाठ उस शब्द के नीचे रखते जाना है, ठीक है, और ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा पाठ है, मजा आएगी आपको सुनने में। बादशाह अकबर, और मेरे साथ आपको रिपीट करते जाना है ना, और जोर से बोलना है, सही पढ़ना है, जहां पढ़ रही मैं वहीं उंगली रखना है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जो मात्रा जैसी है उच्चारण वैसा ही करेंगे ताकि आपका रीडिंग और राइटिंग हमेशा सही। बादशाह अकबर जो थे वो अपने क्या थे, दरबार में बैठे थे, राजा होते हैं उनका दरबार होता है, दरबारी बैठे रहते हैं, तो सभी दरबारी आ गए थे परंतु बिरबल अभी तक नहीं आए थे। देखो जैसे हमारे स्कूल लगने का समय होता है, ऑफिस लगने का समय होता है, इससे पहले जो दरबार लगते थे उनका भी समय होता था, दरबार लग चुका है, सारे दरबारी आ गए हैं, लेकिन जो बिरबल है वो अभी तक नहीं आए हैं।
कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, है ना। मैंने बताया ना कि कुछ दरबारी जो थे उनकी चतुराई के कारण उनसे जलते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी चतुराई के कारण राजा के प्रिय बने हुए थे। उन्हें अवसर मिल गया, अवसर अवसर ने मौका, मौका मिल गया। उनमें से एक ने अकबर के कान भरे, अब उनमें से एक ने क्या किया, अकबर के कान भरे। बादशाह सलामत, बीरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं, है ना। आपकी मम्मी बोलती ना कि आजकल तुम लोग बहुत लापरवाह हो गए। लापरवाह ने किसी भी काम की चिंता नहीं करना, है ना, कोई भी काम समय से नहीं करना और अपने हिसाब से सब कुछ करना। तो उन्होंने कान भरे और कहा कि जो बीरबल है ना आजकल बहुत लापरवाह हो गए, देखो अभी तक टाइम हो गया और दरबार में नहीं आए। उन्हें दरबार की फिक्र ही नहीं है, फिक्र ने चिंता, उन्हें अभी तक नहीं आए। उसी क्षण अब मेरा एक पैराग्राफ खत्म हुआ है, अगले पे आ जाएंगे। उसी क्षण बीरबल दरबार में आ गए, क्षण ने उसी जैसे ही बोला तभी आ गए। तो उसी समय बीरबल दरबार में आ गए। अकबर ने उनसे देर से आने का कारण पूछा, है ना। जब वो देर से आए तो अकबर ने पूछा कि भाई देर क्यों हो गई। आप लोग भी स्कूल अगर देर से आते हो तो टीचर पूछते हैं ना, पहले कारण पूछा जाता है ना, उसके बाद कुछ बोला जाता है, क्योंकि कारण पता चलेगा तभी कुछ उसे डांटा या बोला या कहा जा सकता है। अगर खुद की गलती है तो बच्चे को डांटा जाता है, कुछ ऑटो लेट हो गया, किसी और के कारण लेट हो गए, तो फिर इसमें बच्चे की गलती नहीं है। ऐसे ही अकबर ने बीरबल से पूछा कि आने में देर क्यों हो गई, है ना। अब बीरबल बोले, बादशाह सलामत, मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। देखो अगर वो देर से आए हैं तो उन्होंने बोला कि मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। अब उन्होंने क्या कारण बताया कि मेरा बच्चा जिद कर रहा था और उसकी जिद के कारण देर हो गई। आप लोग भी जिद करते हो ना, कभी कभी ऐसी जिद करते हो कि जो चीज़ नहीं हो वो ही चीज़ मांगते हो, तो बच्चों की आदत होती है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। अब सभी लोग ये वाला हम पेज पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम आएंगे पेज नंबर 14, है ना, 14 पेज नंबर 14 पे आ जाएं, है ना। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 14। अकबर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, है ना। अब अकबर ने बहुत आश्चर्य किया, क्यों किया आगे पढ़ेंगे। आप तो बड़ी बड़ी उलझने मिनटों में सुलझा लेते हैं, है ना। आश्चर्य ने अचरज सॉरी आपको उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये तो कोई भी काम हो तो चुटकी में कर लेते, चुटकी में आसान कर लेते हैं। अब इस ये वाली ऐसी क्या परेशानी, बच्चे की जिद तो आसानी से मान सकते हैं, फिर भी आप बच्चे की जिद के आगे हार गए, है ना। उन्होंने कहा कि अरे वाह, बच्चे की जिद के आगे आप हार गए, ऐसा कहीं हो सकता है, हम इस बात को नहीं मानते। यदि ऐसा है तो अपनी बात सच साबित करनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो आपको अपनी बात सच साबित करना होगी। अकबर अपनी बात को सच साबित करने के लिए बीरबल ने कहा, वह स्वयं बच्चे की तरह जीत करेगा और बादशाह अकबर को उसकी जीत पूरी करनी होगी। अब अपनी बात को साबित करने के लिए बीरबल ने कहा कि वो खुद बच्चा बनेगा और अकबर इस समस्या का समाधान करेंगे। अब देखो बीरबल अपनी चतुराई से किस तरह से इस समस्या का समाधान करते हैं। अब आगे देखो, पैराग्राफ नंबर 3 पे आ गई हूँ, है ना। इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पुस्तक पे ध्यान दे।
बहुत अच्छा पार्ट है। जब तक आप लोग पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, कहानी भी मजा नहीं आएगा और हम आगे की एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हम पढ़ रहे थे, अब आएंगे पैराग्राफ 3 पे, है ना। अकबर बिरबल की बात से, अकबर बिरबल की बात से सहमत हो गए, है ना। अकबर ने कहा ठीक है तुम बच्चा बनो और हम तुम्हारी जिद पूरी कर देंगे। अब बिरबल बच्चे की तरह रोने लगे। बच्चे कैसे रोते हैं ना कि नहीं यही चाहिए, अभी चाहिए आपके, आप थोड़े से बड़े हो गए हो, थोड़े से जब छोटे थे तो रो रो के ही जिद पूरी करवाते हैं, बच्चों की आदत होती है, है ना, कि हम रोएंगे तो हमारे मम्मी पापा तुरंत मान जाएंगे। तो वो बच्चे की तरह रोने लगे। जब अकबर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, अकबर अब उन्हें मनाने लगे क्योंकि वो तो बच्चे बने हुए थे, तो बिरबल गन्ना खाने की जिद करने लगे, है ना। अब अकबर उन्हें मनाने लगे, बेटा चुप हो जाओ, बेटा मत रो, है ना, ऐसे ही मनाते हैं ना। तो बिरबल ने क्या किया, बोला कि अब मुझे तो गन्ना चाहिए। अब अकबर ने सैनिकों को भेजकर गन्ना मंगवा दिया। अकबर के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, राजा है, उन्होंने देखो पिक्चर में दिख रहा है ना कैसे गन्ने लेके आए हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और गन्ना तुरंत बुलवा लिया। अब बिरबल गन्ने को काट कर खाने की जिद करने लगे। कैसे खाने की जिद करने लगे कि मुझे तो क्या करो, गन्ने को कट करके दो फिर मैं खाऊंगा। तो अकबर ने गन्ने के टुकड़े करवा दिए। अब बिरबल फिर से साबुत गन्ना मांगने लगे। अब देखो पहले क्या किया बिरबल ने कि मुझे तो गन्ना खाना है, जब गन्ना दिया तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे इसको क्या करके दो, पीस टुकड़े कर करके दो, है ना। और टुकड़े करके दिए तो क्या बोलने लगे कि अब इसको वापस गन्ना है, मुझे पूरा गन्ना चाहिए, इसे टुकड़े नहीं चाहिए। तो अकबर ने दूसरा गन्ना मंगवाने लगे कि ठीक है टुकड़े नहीं खाना है तो दूसरा गन्ना दे देते हैं, है ना। परंतु बिरबल ने क्या कहा कि मेरे को जो गन्ने के टुकड़े किए उसी को जोड़ के वैसा ही बनाओ और वही वाला गन्ना खाना है। हो सकता है ऐसा क्या, नहीं हो सकता ना, पर बच्चे ऐसी ही जिद करते हैं, आपको भी पता आप ऐसी जिद करते हो और मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। अब वो तो बोलने लगे कि नहीं मुझे तो क्या करना है कि गन्ने को जो टुकड़े किए उसको जोड़ के और वही वाला गन्ना चाहिए। अब ये तो किसी तरह संभव ही नहीं है, है ना। हम जैसे किसी कॉफी का पैच फाड़ देंगे तो उसको वापस जोड़ सकते हैं क्या, नहीं जोड़ सकते। तो उन्होंने कहा कि अब गन्ने को वापस थोड़ी जोड़ा जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। बिरबल बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे और अपनी जिद पूरी करने के लिए कहने लगे। अकबर के पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था और अकबर अब समझ गए कि बच्चे की जिद को पूरी करना बहुत कठिन काम है और अकबर समझ गए कि यही कारण है कि बिरबल को देरी हो गई थी। उन्होंने हार मान ली और उन्होंने कहा कि ठीक है भैया तुम जीते और मैं हारा। अब बिरबल शांत हो गए, उन्होंने अपनी बात साबित कर दी थी, अब उन्होंने रोना बंद कर दिया और वो अब चुप हो गए क्योंकि वो अपनी बात सच साबित कर दिए थे। तो देखा आपने बिरबल ने अपनी बुद्धिमानी से किस तरह बच्चा बने और किस तरह से जिद की और कैसे अकबर उनकी जिद को पूरी नहीं कर पाए। तो बेटा आप लोग भी ऐसी जिद करते हो ना अपने मम्मी पापा से, तो ऐसी जिद हमें नहीं करना चाहिए। समझे आप इस पार्ट से। आप आपको इस बात से ये समझ में आया कि जो बच्चे होते हैं उनकी जिद को पूरी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है और किस तरह आपके पेरेंट्स आपकी हर बात को पूरी करते हैं और आप लोग किस तरह से आपका हर कहना वो मानते हैं। अब ये पार्ट पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ लिखेंगे, है ना। आप क्या करना है, आपको ये जो मैंने पार्ट पढ़ा है आज
या कल वापस इसी को वापस पढ़ना है और अपनी पेंसिल लेके बैठना है, और आपको जो कठिन शब्द लग रहे हैं, कठिन मन समझते हो ना कि जो आप पढ़ते पढ़ते जहाँ रुक जाए वो कठिन है, तो पहले कोशिश करनी है और नहीं आ रहा है तो उसको यहाँ पे अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। यह आपका होमवर्क रहेगा और उन कठिन शब्दों को क्या करना है, अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब सभी लोग अपनी हिंदी की नोटबुक निकालें, है ना, क्लास वर्क कॉपी जो आपने बनाई है उसमें आपको न्यू पेज से निकालना है, और क्या करना है, सबसे पहले दिनांक डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, दिनांक। हमेशा काम शुरू करने से पहले क्या करोगे आप लोग, दिनांक डालेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग, डेट डालेंगे, दिनांक, ठीक है। अब आपको पता है पार्ट दो हेडिंग डालनी है, फिर एक लाइन छोड़ के पार्ट का नाम लिखना है, बिरबल बन गए बच्चा। सभी लोग हेडिंग डालो, कॉपी नहीं निकाली है तो निकाले, जल्दी करें। पार्ट दो बिरबल बन गए बच्चा, दिनांक डालेंगे, है ना, और आपको मैम ने बताया था ना शब्दार्थ कैसे लिखना है, आपको अपनी नोटबुक का पेज क्या करना है, आधा फोल्ड करना है, ठीक है, और जो लाइन बनी है वहाँ पे स्केल से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सभी लोग स्केल से लाइन ड्रॉ करें, इतना काम करें। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, क्या डालेंगे, शब्दार्थ। बिना हेडिंग डाले कोई नहीं लिखेगा, पार्ट पार्ट का नाम, दिनांक, जिस दिन आप लिख रहे हैं वो वाली दिनांक, ठीक है। फिर हम लिखेंगे शब्दार्थ, सभी लोग स्केल से बढ़िया सुंदर सी लाइन खींचेंगे, हाथ से नहीं खींचनी है, बकायदा अपना कॉपी का पेज फोल्ड करेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। अब आप लिखेंगे बादशाह, बादशाह, क्या लिखेंगे आप लोग, बादशाह, बादशाह ने राजा, बादशाह का क्या मतलब होता है, राजा। आपको ये अपनी पुस्तक में भी मिल जाएंगे, देखो जो पाठ में हरे हरे अक्षरों में है ना वहां पे शब्द है और उनके अर्थ आपको नीचे मिल जाएंगे, अवसर अवसर, अवसर का क्या लिखेंगे हम लोग, मौका, कान भरे, कान भरे ने शिकायत करना, नहीं,
हमारे मतलब शिकायत करना। ठीक है, फिक्र फिक्र, आपकी मम्मी आपकी फिक्र करती है ना, आप कहीं जाते हो तो क्या बोलती है ना, चिंता करना कि जल्दी आ जाना बेटा, है ना, शाम हो जाए तो उसके पहले आ जाना, तो फिक्र ने आश्चर्य, आश्चर्य मीन्स अचरज, गलत हो जाए तो आपके पास आपका क्या है, इरेजर है, गलत नहीं लिखना है, मात्रा है गलत नहीं लिखाएंगे, बिंदी का भी ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे बिंदी नहीं लगाते हैं, और अक्षर सुंदर बनाना है। आश्चर्य मतलब अचरज, उलझने, उलझने यानी परेशानियां, उलझने परेशानियां। देखो लिखते जाना है, ऐसा नहीं कि बाद में लिखेंगे, है ना, मैम के साथ साथ लिखे। साबूत, साबूत मतलब पूरा, हम बोलते हैं ना साबूत करना, कोई भी चीज अक्खी होना, है ना, उसको कट नहीं करना, आम तो पूरा साबूत आम, अनार ऐसा समूचा पूरा। हम जिसको बोलते हैं ना पूरा, जिसे आधा नहीं किया जाए, पूरा होना। और आखिरी है चारा, जिसे मैं इधर लिख रही हूँ, आपको इसी के नीचे अगर जगह है तो लिख लेना है चारा। चारा आने उपाय, खाने वाला चारा नहीं, एक चारा कौन सा आता है, हरा हरा चारा आता ना जो गाय खाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारा का मीन्स उपाय, एक हरी हरे घास को भी हम चारा बोलते हैं, लेकिन वाक्य से उसका अर्थ हमें समझना होता है, कुछ शब्दों का दो अर्थ होते हैं, मात्राएं सेम होती है। सभी लोग लिख ले, अच्छी सुंदर अक्षरों में लिखना है, जैसे अभी सब लोग लिख रहे हैं, वो फोटो डाल रहे हो ना, वैसे ही लिखना है। सभी लोगों ने लिख लिया है ना, अब जल्दी की आदत डालनी है बेटा, हम लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, है ना,
आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आपको आदत डालनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी फिर टाइम कम पड़ जाता है इसीलिए आदत के कारण, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपका होमवर्क भी यहाँ पे लिख रही हूँ, सब लोग देख लें। होमवर्क आपका ये है, पार्ट दो वाचन करें एवं शब्द छाटकर CW कॉपी में लिखें। देखो ये कठिन शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी एक बच्चे को जो शब्द कठिन लग रहा है दूसरे को भी वही लगेगा, है ना। तो सब बच्चों के लिए हर शब्द अलग तरह से कठिन होता है, तो ये सबके अलग अलग होंगे। कम से कम 5 कठिन शब्द आपको लिखना है ना। कितना लिखना है? कम से कम 5 शब्द। 5 से ज़्यादा होंगे तो ठीक है चलेगा, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। सभी ये होमवर्क भी नोट डाउन कर ले। ये आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। जब आप क्लास वर्क कर रहे हैं तो आपको वहां पे CW लिखना है, और जब आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपको HW लिखना है डेट के साथ। क्लियर होना चाहिए क्या आपका होमवर्क है, क्या आपका क्लास वर्क है, और आपको सारी चीजें तभी पूर्ण करनी है, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे जिस दिन जो क्लास है, फिर वरना बहुत सारा वर्क हो जाएगा आपका। तो आपका ये पार्ट दो आज हमने पढ़ा, पार्ट दो के शब्दार्थ लिखे, होमवर्क मिला है, होमवर्क ये है, पार्ट को पढ़ना है, कठिन शब्द छाटना है, और अपने क्लास व कॉपी में होमवर्क डाल के करना है ना। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है पेरेंट्स को कि कौन सा वर्क किस कॉपी में किस में करना है, बुक में या कॉपी में। तो देखिए जो हमारे शब्दार्थ होते हैं, प्रश्न उत्तर है, श्रुत लेख शब्द, होमवर्क, फिर या अन्य जो कोई मैम चीज लिखाएगी वो हमको क्लास वर्क में करना है, कविता वगैरह जो भी है, और बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है ना, वो सिर्फ बुक में ही करना है, उसे अपनी नोटबुक में नहीं करना है। कुछ बच्चे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आज की आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है, अपना वर्क सब भी कर लें। सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।